हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत। तो आज मैं आपके साथ इंस्टेंट मावे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको हम मिल्क पाउडर से बनाकर तैयार करने वाले हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और आप इससे कोई भी मिठाई बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं मावे की बनाने के लिए। एक पैन ले लिया है और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है। फ्लेम को लो रखा हुआ है, तो घी को हम मेल्ट होने देंगे। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, इसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें दूध ऐड किया है और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को आपको ऑफ रखना है। 1 कप पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर देंगे और तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो 2 कप यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का इसमें यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर इसमें यूज़ कर सकते हैं और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें स्मूथ पेस्ट की तरह तैयार करना है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो इस स्पैचुला से इसको प्रेस करते हुए हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑन कर देंगे और फ्लेम को हम लो रखते हुए इसको 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे। जब तक ये एक डो की कंसिस्टेंसी में ना जाए तब तक आपको इसको पकाना होगा। लगातार चलाते हुए इसे पका लिया है और मैंने इसमें फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे थिक होने लगा है ये, बट जब तक ये पैन से अलग ना हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना होगा। और फ्लेम को हम मीडियम लो ही रखेंगे और इसको आपको लगातार चलाते हुए कुक कर लेंगे, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक ना हो जाए, ये एक डो की फॉर्म में ना तैयार हो जाए। आप इसे किसी भी तरीके की मिठाई बना सकते हैं, आप इससे पेड़े बना सकते हैं, आप इससे बर्फी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये इसको बनाने में 4 से 5 मिनट लगती है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और आप देख ही सकते हैं ये पैन में किस तरीके से इंस्टेंट मिल्क पाउडर मावा बनकर तैयार हो चुका है। इस मावे को आप किसी भी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं। मिल्क पाउडर के मावे की बनी मिठाइयाँ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आई होप आज का वीडियो को ये वीडियो हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।